ये देखो अब मंदा मंदा मुस्कुरा रही है अपनी जीत पे। हमने पूछा हाउ आर यू, कौन हो तुम? आप सौरभ व्यक्ति को देखते हो, क्या सीखते हो? कुछ नहीं सीखते हो, यहाँ पे हमारे ब्लॉग देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? घर कैसे चलाते हैं, बच्चों को कैसे डांटते हैं। तो हम पंजाबी में यहाँ पे हम बोलते हैं सितारा। अरे भाई 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 है आई स्वाई गंगा भाई नई भाई। हमारे सब्सक्राइबर है दुष्यंत रगड़े ब्लॉग्स, जिन्होंने कितना अच्छा किया है कि आपने कोई पुण्य किया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के व्लॉग की शुरुआत जानता हूँ बहुत लेट हो रही है, वो देखो 10:15 हो गए हैं। अभी तक मैं काम कर रहा था जी थोड़ा सा, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी। और ये मेरे बच्चे जो है ना, ओह मेरा बेटा तो चलो काम करने लगा, काम काजी बेटा है मेरा, ये भी काम काजी बेटी है। देखो रोटियाँ वोटियाँ बना के बैठी है। और पुष्पा मैं बेली हूं। पुष्पा थोड़ी सी बेली है देखो। अपने आप ही बोला जी, देखो मैंने तो कुछ नहीं बोला, अपने आप सच सच बोलते हैं वैसे पुष्पा। ये मारा मत करो, मुझे लगती है। ये क्या दोस्तों, ये देखो अब इतनी भी कमजोरी क्या है कि मैं तो अभी शाबाशी दी आपके सामने। मुझे लगती है ना ऐसे, मुझे शाबाशी भी नहीं चाहिए। वो ऐसे मत बोल, मैं बदनाम हो जाऊंगा, कहेंगे जानी को कुछ खिलाता पिलाता है नहीं, मार ही जाता है। तो पुष्पा देखो जी आज तैयारी कर रही है क्या, देखो अभी 10:15 पुष्पा ब्लॉग देख के और सारी टेंशनें मुझको बता के कि आज ये फलाना ढिमकाना सब कुछ हो गया ना, वो भी बताना जरूरी होता है। क्यों पुष्पा क्या बताया तुम्हें टेंशन? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब कि आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये कैसा मुंह बना रखा है? ओ माय गॉड, मुझे कुछ कढ़ाई नहीं, पर ये कैसा मुंह बनाया? ऐसे वाला कौन सा मुंह बनाया? ऐसी कढ़ाई चाहिए, छोटी नहीं है, छोटी कढ़ाई नहीं है, छोटी कढ़ाई थी, काले हो जाएंगे उसमें, लोहे की कढ़ाई है काले हो जाएंगे, तो इसमें बना ले चल कोई नहीं। हाँ तो आज आपको बता दिया, देखो जी अंडे उबाल दिए, मैं तो एक अंडा ऐसे खा जाऊंगा। वैसे तो आज पुष्पा ये भी पड़ी होगी सब्जी यार, मैं दोपहर में खाई आज पुष्पा ने, देखो जी सुबेरे सुबेरे उठ के पहले प्रज्वल के लिए बनाया ना, प्रज्वल ने जाना था ना, तो प्रज्वल के लिए मैंने आलू बड़ी बनाई थी, इसमें पड़ी है। सुबह तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सके ना आज, सोए थे तुम कैसे? अरे तो सोए थे तो फिर लो, इसमें कौन सी बात हो गया ना, सोए थे। तो ये देखो जी फ्राई पैन में बनेगी अंडे की सब्जी, थोड़ी सी बनानी है क्योंकि ज्यादा तो बनानी नहीं है ना, कढ़ाई में बन जाएगी, नहीं सॉरी फ्राई पैन में ही बन जाएगी। मेरे लिए एक अंडा, गरम गरम गरम। और ये देखो जी अंडे को चेक करने का तरीका, ये देखो अंडा उबल गया है, अगर ऐसे गोल गोल एक साथ घूमता है तो मतलब उबल चुका है, अगर ये इधर उधर भटकेगा ना, देखा नहीं ट्रिक बताई मैंने, तो नीचे घुमा रहे हो, नहीं नहीं तो इसमें भी घुमा सकते हैं, देखो ऐसे घूमता है, देखो एक ही तरफ घूमेगा, देखो अभी तो मैंने फोड़ दिया ना इसको, तब ऐसे हो रहा है ये। और दोस्तों ये देखो ऐसे करके खाया, प्याज काट ही रखा था पुष्पा ने, और इसमें थोड़ा सा नमक। और दोस्तों ये देखो जी पुष्पा ने कर लिया तैयारी, तेल हो गया बिल्कुल गर्म, धुआं निकलने लगा है, हाथ हटाओ पीछे, और हाथ हटाओ पुष्पा का ऑर्डर आ गया, बस ठीक है। ये देखो जी जल गया है लहसुन, तो आपको आज बनाना सिखा रहे हैं तरी वाले अंडे, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल से। और ये देखो पुष्पा ने इसमें डाल दिए हैं प्याज, मेरे स्टाइल, पुष्पा का स्टाइल वही देसी, मतलब कोई ये नहीं, कोई शेफ थोड़ी ना है, घर में जैसे बनते हो वैसे जो सामान हो उससे बनाना है, ये नहीं कि ये मसाला लाओ वो मलाओ फिर इसको फ्राई भी करो, सारा वो बेकार हो जाता हो। हाँ इतना चाम जाम नहीं घर में, देखो ना अब घर में सब कुछ तो हो नहीं सकता, तो हम तो गरीब लोग हैं भाई, जैसे जो सामान है उससे बनाओ, मजा लो बस उसका खाने का, है ना, मिक्सी लाओ ये करो वो करो। ये देखो इस तरह से थोड़ा सा प्याज कर लिया है फ्राई, अच्छे से कर लेना है, अभी कच्चा है थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा तेज कर लेता हूँ आँच कम करके थी। नहीं नहीं पुष्पा तू नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ हिला रहा हूँ, देखो इसको कच्ची को हिला रहा हूँ। अरे नहीं पुष्पा तू नहीं, दोस्तों ये पुष्पा बना रही है और पुष्पा नहीं बनाया, ठीक है मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ भाई देखो भाई हम अपना नाम नहीं ले सकते भाई, ना भी ना, कल को तो अवार्ड मिलना होगा तो तेरे को ही मिलेगा ना, फिर मुझे थोड़ा ना मिलेगा, मुझे अवार्ड देने और खाया पिया तो खुद अवार्ड देने। नहीं नहीं लोगों को, लोग ऐसे भी वो कर रहे हैं ना, खा पी के भी अवार्ड लेने वाले बंदे हैं। मोदी जी को बुला लेने भी अवार्ड दिखेगा। और ये देखो जी मसाला अच्छे से हो गया है, प्याज भी अच्छे से बन गया है, और अभी और भुनेगा थोड़ा बार, पुष्पा कह रही है थोड़ा सा और भुने जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से काटती है पुष्पा। ये देखो ये कटा,
ये कटा, ये मेरे से नहीं कटता ऐसे, मैं तो प्लेट में रख के आराम से कट कट कट। हम अनाड़ी बंदे हैं ना यार, हम तो बस ऐसे काट। बात तो यार उसका काटने से है, काटने से क्या होता है, बस छोटा खराब करना चाहिए। ठीक ठीक है, ये भी प्लेट के ऊपर रख के काटते हो। देखा फिर डांटने लगी ना ये बार, जब इसको मौका लगता ना तभी डांटना शुरू हो जाती है, क्योंकि मौका नहीं मिलता ना, जैसे ही मिला नहीं चढ़ जाती है ऐसे पानी वो लेके, राशन पानी लेके। ये देखो अब मंद मंद मुस्कुरा रही है अपनी जीत पे। अरे जीत पे बोल रहा हूँ, जीत पे नहीं कह रहा, जीत पे वही कह रही। मैं भी मैं कह रही कि जब कुछ मारते हो बताओ ना, जब ये ऐसे मार मार के वो, अरे वो तो शाबाशी होती है असली। देखो दोस्त ऐसे ऐसे क्या चलता है, ये मैं तुम्हें डांटती हूं उसका बदला लेते हैं ये मार मार के। अब तू कह रही है मार, अब कोई ऐसे अगर मैं इस पर शाबाशी दूं तो दोस्त ये शाबाशी की मारना हो, मारना तो ऐसे होता ना पटाखा है ना, पटाखा देखो वही है ना बात, एक ही बात होगी, एक ही बात हो गया। दिस इज नॉट फेयर, हंस के मारो। मैं अंग्रेजी बोलूंगा फिर, दिस इज नॉट फेयर। क्या बोला? ये देख अब तुम मेरे से अंग्रेज, हमने पूछा हाउ आर यू, कौन हो तुम? तुम्हारी अंग्रेजी इसलिए कहते हो क्या बोला, इसलिए पूछिए कि मुझे तुम्हारी अंग्रेजी नहीं समझ। आप देखो जी सबसे पहले इसमें नमक जाएगा, ठीक है, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से और गल जाए और ग्रेवी जो है थोड़ी शानदार बनेगी। देखो हाथ में लाने गए लड़ने आ जाती है, और जाओ और मिलेगा था मुझे अभी। अच्छा इसी में अभी तुमने हल्दी मसाला तो नहीं डाला ना, तो अभी इसमें हल्दी मल्दी कुछ नहीं डाल दिया दोस्तों, बस टमाटर गलाने के लिए इसमें नमक डाल दिया, प्याज गलाने के लिए, और अभी तो हाथ से भी दबा रही है उसका। देखो हाँ हाँ फिर से आ रहे हैं तेल के ऊपर तो तड़क तड़क तड़क, लेकिन किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए खेती में लॉन्ग ही कर रहा हूँ। आप सौरभ जैसी को देखते हो क्या, सीखते हो कुछ नहीं सीखते हो, यहाँ पे हमारे ब्लॉग देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा है कि नहीं। खाना कैसे बनाते हैं, घर कैसे चलाते हैं, बच्चों को कैसे डांटते हैं, नहीं 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 बच्चों को किस तरह से संभालते हैं संवारते हैं ना, ये भी सब आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। पारिवारिक माहौल कैसा होना चाहिए, कैसे घर में रहना चाहिए, खासकर हमारी कैटेगरी के लोगों को, बल्कि आप भी अच्छे ही रहते होंगे ऐसी बात नहीं, बच्चों को कैसे बिगाड़ना चाहिए ये भी हो सकता है, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप भी हमें सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि भी अब तो हमें एक फैमिली है ना, आप भी हमको अपनी राय शेयर किया करो कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हमको अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट किया करो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब तो मस्ट है, ठीक है, फ्री में कर लो। और यहाँ पे देखो पुष्पा ने मसाले वसाले डाल लिए, तुझे पुष्पा अवार्ड मिलेगा अच्छे से बनाना। मैं पकड़ लूँ नहीं नहीं, और ये देखो जी अब हल्दी डल गई है, मिर्च डल गई है, अब डलेगा क्या, धनिया पाउडर पाउडर और धनिया पाउडर और धनिया पाउडर, तो तीनों में अंतर है, देखो कितना है ना। जब एक बार बोली सुन सुन के परेशान हो गए थे, हमको बता रही है जब बैठे थे सारे, बताओ ये सतारा सतारा क्या कर रहे हो तुम लोग, कल से वो पूछ रहा हूँ कि बस कहाँ से मिलेगा तुम लोग, करे सतारा सतारा जी बताओ, क्योंकि वो हिंदी में वो उनको आदत है सत्रह बोलने की, सत्रह सत्रह मतलब सत्रह, तो हम पंजाबी में यहाँ पे हम बोलते हैं सतारा अठारह। और ये देखो पुष्पा ने आज मजेदार सब्जी बना दी है, क्योंकि इसमें रेंदे अब तो डल गया, रेंदे उसमें मैं डाल गांठे पड़ जाएंगी नीचे महंगे तक, सुखा है चल छोड़ रहने दे, अब तो पड़ गया पुष्पा जाने दे, तो खा लूंगा यार, तो की हो गया चल थोड़ा चटपटा ही सही। चलो जी आज मजेदार वाली सब्जी सही में पुष्पा ने अवार्ड विनिंग सब्जी है आज, तो मजा आ जाएगा। आह हा क्या खुशबू आ रही पुष्पा, सही में सही है ये, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मेरे को तो ऐसी चाहिए थी, मुझे तो ऐसी पसंद आती है। और आज थोड़ी सी तेज कर ली, और इसके साथ ही अब पुष्पा ने पानी डाल दिया इसमें, अब ग्रेवी बन जाएगी बढ़िया। ये देखो अब ये पानी थोड़ा सा उबाल के सूख जाएगा, और बस हो गया पुष्पा, अब इसमें क्या करना तुम्हें, छिलके है ना, अंडे डालूंगी। अरे वही 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 है, देखे कौन खाएगा, छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गई है पुष्पा।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब पुष्पा अंडे छिल रही है, तो दोस्तों अंडे छिलने तो सभी को आते हैं। ये देखो पुष्पा छिल रही है अंडे और अब इसमें डाल देगी। और पुष्पा मैं आयुष भाई, गंगा भाई, नई भाई, जाओ बाय बाय बाय, मुझे नहीं करना है बाय। हस्बैंड हस्बैंड नहाने जाएंगे बाय। दृष्टि बाई कर रही है, देखो दृष्टि बाई कर रही है। माई गॉड सी रिएक्टेड, सी रिएक्टेड क्या? अच्छा ओ, ओ, ओ ये देखो मैंने पंखा चला के कूलर बंद कर दिया था। ऐसी हम गर्मी में रहें अंदर और ये बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा परिवार है, एक एक समावेश में हम रहेंगे। अब चलेगा कूलर है ना, पंखा कर देता हूँ बंद। लो ऐसा हो, ठीक है। तो अब हो गया टाइम डिनर का। ये देखो जी कल की करेले की सब्जी पड़ी थी, वो भी खा लेंगे। और ये अंडा, अंडा मेरे ख्याल पुष्पा ने मुझे एक आधा और दे दिया, तो थैंक यू पुष्पा। चलो जी पुष्पा भी देखो करेले की सब्जी खा रही है, बाकी बच्चे तो खा ही रहे हैं अंडे के साथ। और अब हम भी अच्छा और टेस्टी मज़ेदार, तो चलो अब इसका आनंद लेते हैं जी। और दोस्तों बहुत टाइम हो गया, अब देखो ये 11:30 के लगभग हो गए हैं, 11:30 ही हो गए बल्कि। और बच्चे सो गए, प्रज्वल तो पहले सो गया क्योंकि उसने सुबह काम पे जाना होता है, उसका भी बस सोने की तैयारी कर रही है। और मैं भी, और मैं देखो जी यहाँ पे पढ़ रहा था कमेंट्स। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं दुष्यंत रगड़े व्लॉग्स, जिन्होंने कितना अच्छा किया है कि आपने कोई पुण्य किया होगा जो इतने अच्छे आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं, आपको सचमुच बहुत खुशनसीब हो। तो थैंक यू दुष्यंत जी, मुझे पता है आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बीच आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते रहते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है ना। और जैसे अनूप यदुवंशी है, वैसे ही आदित्य गेमिंग और कई हैं सब्सक्राइबर जिनके तो नाम भी हमको याद है ना, इसी तरह से बिंदर भी है। तो दुष्यंत जी थैंक यू वेरी मच, और बस इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिए हमें। और हम भी कोशिश करते हैं, काम से आते हैं थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो कुछ तो ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कृष्णा की, राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, आप उन सब खुश रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दुष्यंत जी की तरह ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, हमेशा खुश रहिए। राधे राधे।